हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है टेक्नो स्पार्क पावर 2। आज इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क पावर 2 में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाय करने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला जो फीचर्स है, राइट साइड से स्वाइप कीजिए और बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। दोस्तों, एक शॉर्टकट है, यहाँ पे टूल का शॉर्टकट है और यहाँ पे ऐप का शॉर्टकट है। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्लस साइन में क्लिक करके किसी भी शॉर्टकट को आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों, ये सारे ऐप का शॉर्टकट है, आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे और आसानी से ये सारे ऐप को आप यूज कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों, होम स्क्रीन में किसी भी ऐप पर आप टैप करके रखिए और बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर टैप करके रखा हूँ और यूट्यूब के अंदर ना जाके डायरेक्टली ये सारे ऑप्शन में जा सकता हूँ, सर्च, सब्सक्रिप्शन या ट्रेंडिंग। उसके बाद दोस्तों, होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। वॉलपेपर, उडिच, ये सब कुछ तो आप सभी लोग जानते हो, मैं हर टिप्स एंड ट्रिक में बताता हूँ। लेकिन डेस्कटॉप सेटिंग में चलोगे और यहाँ पे हाइट ऐप आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आके किसी भी ऐप को आप हाइट कर पाओगे। इसका सबसे जो बड़ी चीज है, यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे सेट पासवर्ड कर पाओगे। मतलब दोस्तों, आप एक तो हाइट ऐप कर रहे हो, उसके बाद जाके उस ऐप में आप पासवर्ड भी लगा पाओगे। मतलब सोच सकते हो कितना अच्छा फीचर्स है। उसके बाद जेस्चर सेटिंग में चलिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। स्लाइड अप ऑन लॉन्चर, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे स्लाइड अप करोगे तो दोस्तों ऑल ऐप का एक लॉन्चर खुल के आ जाएगा। अगर आप ये रखना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप ये रख सकते हो, वरना बहुत सारे शॉर्टकट है, हाइट ऐप, वॉलपेपर, प्रीव्यू वगैरह बहुत कुछ है, आप कर सकते हो। और ये सारे शॉर्टकट को आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हो। आइकन साइज में चलिए, दोस्तों आपका जो आइकन है वो बड़ा कर सकते हो या घटा सकते हो। मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ इसलिए दोस्तों बड़ा है। आधार सेटिंग में चलिए, यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पे एक सर्च बार खुल के आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप किसी भी सर्च कर पाओगे, चाहे आप ऐप का हो या किसी भी मैसेज का हो, फोटो का हो, कुछ भी। दोस्तों, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। नोटिफिकेशन बार में भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है, जैसे कि दोस्तों गेम मोड, डार्क थीम, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं ज्यादातर डार्क थीम को ही यूज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखोगे वन हैंड मोड दिखाई देगा, मतलब अगर आप एक हाथों में यूज कर रहे हो और इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत बड़ा है तो आसानी से इसको यूज कर पाओगे। इधर आने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इस साइड में आने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से बाहर जाने के लिए इस क्रॉस साइन में क्लिक कर दीजिए और ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए सेटिंग में। सेटिंग में दोस्तों भर भर के फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क एंड इंटरनेट में आओगे और यहाँ पे एक अच्छा फीचर्स दिखाई देगा, स्टेटस बार, नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले। बेसिकली ये ऑफ रहता है, मैं इसको ऑन कर रहा था। और दोस्तों इसको इनेबल करोगे, अगर मैं यहाँ पे डाटा को ऑन करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा कि इंटरनेट स्पीड कितना दे रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये बहुत अच्छा फीचर्स है। और यहाँ पे VPN वगैरह बहुत कुछ है, मोबाइल नेटवर्क वगैरह आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। उसके बाद कनेक्टेड डिवाइस में आओगे और यहाँ पे OTG दिखाई देगा। बहुत सारे भाई लोग कहता है कि इस फोन में OTG सपोर्टेड नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आके आपको OTG को इनेबल करना पड़ता है, तब जाके दोस्तों OTG जो सपोर्ट है वो करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैटरी लैब में चलिए और यहाँ पे दोस्तों बैटरी परसेंटेज दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं, जब आप फोन खरीदोगे तब दोस्तों यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आपको नहीं दिखाई देगा। मैं इसको ऑन किया था, उसके बाद जाके यहाँ पे दिखाई दिया, तो आप यहाँ पे आके इसको ऑन कर लेना। उसके बाद डिस्प्ले में चलिए, यहाँ पे आई स्कैन का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों ये मुझे बहुत पसंद है, अगर इसको टर्न ऑन करोगे, बेसिकली दोस्तों मैं ज्यादातर इसको रातों में यूज करता हूँ, अगर आप इसको रातों में यूज करोगे तो आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा, आपके हिसाब से इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो एडजस्ट कर पाओगे। मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ इसलिए दोस्तों इसको डिसेबल कर दिया हूँ। यहाँ पे जो फ्रंट साइज है, मतलब आपके हिसाब से ये सारे फ्रंट साइज को आप घटा सकते हो या बड़ा कर सकते हो। मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ इसलिए दोस्तों इसको मैंने बड़ा रखा हूँ। उसके बाद दोस्तों नॉच एरिया डिस्प्ले, दोस्तों अगर आपको ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है ये पसंद नहीं है तो यहाँ पे हाइट एरिया नॉच कर पाओगे, तो जो एरिया है वो हाइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है ये मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद दोस्तों लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ पे आने
के बाद दोस्तों लॉक स्क्रीन में जाओगे, और अगर आप ऑल नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आके इसको ऑन कर लेना, वरना दोस्तों यहाँ पे अनलॉक करने के बाद ही आपको दिखाई देगा, ये कर लेना। वरना अगर आप डोंट शो करोगे नोटिफिकेशन तो आपको कहीं भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे आके इसको जरूर इनेबल कर लेना आपके हिसाब से। सिस्टम नेविगेशन में आओगे दोस्तों, यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन एंड थ्री बटन नेविगेशन दिखाई देगा। बेसिकली दोस्तों ये जो नेविगेशन है ये आपको यहाँ पे थ्री बटन नेविगेशन कहा जाता है। मोर सेटिंग में चलिए, और अगर आप इस बैग को इधर लाना चाहते हो और ये होम को इधर लाना चाहते हो तो आप नीचे को सिलेक्ट करना, जो बैग है इधर आ जाएगा। मैं ऊपर की तरफ ये जो है वो यूज करता हूँ। अगर आप जेस्चर्स करते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना और ये जो बटन है ये गायब हो जाएगा, आपको जेस्चर्स दिखाई देगा। तो आपके हिसाब से ये सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे ट्यूटोरियल भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ देखकर आप यहाँ पे कर सकते हो। साउंड में चलिए, साउंड में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज इन इनकमिंग रिंगटोन, मतलब दोस्तों आपका जो रिंगटोन है वो अगर ज्यादा लाउड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को इनेबल कर देना। बेसिकली दोस्तों आपका जो रिंगटोन है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा साउंड के हिसाब से। यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब भी है दोस्तों, मैं पहले ही बता देता था, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में था, लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर इसको आप यहाँ पे इनेबल करोगे तो दोस्तों आप जिस टाइम इसको इनेबल करोगे उस टाइम आपके फोन में किसी भी मैसेजेस वगैरह या कॉल वगैरह नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा फीचर्स है, जैसे कि एलोप्रेन मोड काम करता है उसी तरह सेम ये भी काम करता है। आपके हिसाब से आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे भाई लोग कहता है कि यहाँ पे ये जो डायल पैड है, ये जो टोन है वो आपको नहीं सुनाई देता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बंद रहता है, यहाँ पे आके इनेबल करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों चार्जिंग साउंड या वाइब्रेशन आपको चाहिए कि नहीं, टच साउंड आपको चाहिए कि नहीं, बहुत सारे यहाँ पे साउंड है, आपके हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज भी कर पाओगे। यहाँ पे स्टोरेज में आने के बाद दोस्तों आपका जो रैम है वो कितना फ्री है या इंटरनल स्टोरेज कितना फ्री है, सब कुछ यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स दिया है। और जो छोटे छोटे फीचर्स होता है ना दोस्तों, वो बहुत मायने रखता है। दोस्तों ये जो छोटे छोटे जो फीचर्स होता है ना दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी दोस्तों सिक्योरिटी में चलिए, यहाँ पे फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दिखाई देगा, यहाँ पे आके आप इनेबल वगैरह कर पाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा फीचर्स ये है कि फाइंड माई डिवाइस, जो मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपके फोन में जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी यहाँ पे साइन इन कर लेना इस वेबसाइट में जाने के बाद। मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके फोन गुम हो जाए तो इस वेबसाइट में जाने के बाद उस ईमेल आईडी के जरिए, जिस ईमेल आईडी यहां पे डाला था उस ईमेल आईडी के जरिए इस फोन को आसानी से आप ढूंढ पाओगे। यार बहुत अच्छा फीचर्स है, मैं इसको हमेशा यूज करता हूं। माइक्रो इंटेलिजेंस में जाओगे दोस्तों, यहां पे क्विक स्टार्ट वगैरह या टैपिंग वाइक वगैरह दिखाई देगा। बेसिकली दोस्तों यहां पे दिखाई देगा डबल क्लिक टू ओपन और क्लोज द स्क्रीन, मतलब इसको इनेबल करोगे और यहां पे डबल टैप करोगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, स्क्रीन ऑन करोगे तो दोस्तों स्क्रीन ऑन हो जाएगा डबल टैप करने के बात। तो यहां पे बहुत सारे फीचर्स दिया है, जैसे कि दोस्तों फ्लिप म्यूट, मतलब दोस्तों किसी भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है इसको इनेबल करोगे और इस तरह फ्लिप कर दोगे तो दोस्तों आपका जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगा। यहां पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आप थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। यहां पे आप देख सकते हो थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट है, और यहां पे स्क्रॉल शॉट करोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा-अच्छा फीचर्स दिया है, आप एक-एक करके पढ़ते जाइए और एक एक करके इनेबल करते जाइए। उसके बाद दोस्तों कॉलर में चलिए और यहाँ पे थ्री डॉट में सेटिंग में चलिए, भर भर के फीचर्स मिलता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक्ड नंबर, यहाँ पे किसी भी नंबर को आप ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हो, और यहाँ पे फ्लैश फॉर कॉल, किसी भी कॉल वगैरह आए तो बैक साइड में जो फ्लैश है वो जलता रहेगा। अगर ये आप ऑन करना चाहते हो यहाँ पे आके इसको इनेबल कर सकते हो। कैमरा में चलिए, कैमरा में भी बहुत अच्छा अच्छा फीचर्स मिलता है। दोस्तों यहाँ पे माइक्रोशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो आप सुपर माइक्रोशॉट खींच पाओगे, और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का जो लेंस है वो आप यहाँ पे आके इनेबल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको 2x जूम भी दिया गया है, आप 2x जूम भी कर पाओगे। यहाँ पे बुके इफेक्ट मिलता है, बहुत सारा अच्छा अच्छा फीचर्स है। सेटिंग में चलिए, यहाँ पे आप वाटरमार्क मार्क को इनेबल कर सकते हो। बेसिकली ये ऑफ रहता है, मैं इसको इनेबल किया था। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों किसी भी पिक्चर में जाने के बाद नीचे की तरफ दोस्तों एक वाटरमार्क मार्क दिखाई देता है टेक्नो बोल के, यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है
है, मैं थोड़ा लो करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टेक्नो का एक ऑप्शन दिखाई देगा और ये जो है दोस्तों ये वाटर मार्क है। यहाँ पे आप देख लीजिए गौर से, यहाँ पे टेक्नो का जो वाटर मार्क है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और दोस्तों ये था टेक्नो स्पार्क पावर 2 का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।